डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी की बस बच्चों को लेकर नूरपुर से जसूर की तरफ आ रही थी कि अचानक पीछे से आ रही प्राइवेट प्रेम बस ने आगे चल रही यूनिवर्सिटी की बस को टक्कर दे मारी, जिससे यूनिवर्सिटी के दो बच्चों को चोटें आई हैं, जिन्हें नूरपुर के सिविल अस्पताल भेजा गया है। ट्रेनिंग इंचार्ज डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल का प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम फॉरेस्ट विभाग नूरपुर में गए थे और अब वहां से वापिस आ रहे थे, तो मेन रोड पर पीछे से बड़ी तेज गति से चलती हुई प्रेम बस ने यूनिवर्सिटी की बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सब लोग भौचक्के रह गए। उन्होंने बताया कि जब देखा तो प्रेम बस बिल्कुल सड़क पर आ गई थी और यूनिवर्सिटी की बस पेड़ से जा टकराई, जिसके कारण बच्चों को भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया था और वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने नूरपुर के एसएमओ डॉक्टर दलवीर को बच्चों की जांच करने के लिए कहा और डॉक्टर दलवीर खुद मौके पर पहुंचे और बच्चों की जांच की। पहले का ये जो हमारा स्टूडेंट का एक टूर होता है रावे प्रोग्राम, इसके तहत हम बीएफओ फॉरेस्ट नूरपुर गए थे और वहां से जब हम वापस आ रहे थे मेन रोड पे पीछे से बड़ी तेज गति से चलती एक प्राइवेट बस, जिसे प्रेम न्यू प्रेम बस सर्विस, उसने हमारी चलती बस को पीछे से बड़े जोर से गाड़ टक्कर मारी और जिससे कि हम भौचक्के रह गए। और जब हमने देखा तो वो उस गाड़ी जो है टकरा करके बिल्कुल रोड के बीच आ गई और हमारी गाड़ी पेड़ से टकर बार बार बची। हमारे जो बीच में बच्चे थे उनको भी चोटें आई हैं और शायद दूसरी बस में भी चोटें आई हैं। एएसआई ट्रैफिक इंचार्ज रूप सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जैसे ही सूचना मिली कि दो बसें, यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी की बस और प्राइवेट बस आपस में टकरा गई हैं, जिसमें दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हमें सूचना मिली कि यातायात कक्ष में दो बसें नौनी और प्राइवेट बस प्रेम की जो आपस में टक्कर हुई, जिस पर हम मौका पर पहुंचे और अभी तक इसमें दो व्यक्तियों को चोटें आई हैं, मामूली चोटें आई हैं और बाकी सभी सेफ है, तो हमने इसमें मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी।